नमस्ते, मेरा नाम है रूही चेन। तंजानिया में एक अलग ही मामला सामने आया है। यहाँ पर 1400 बच्चों में से एक एल्बिनिज्म पैदा होता है। दुनिया में सबसे ज्यादा एल्बिनो बच्चों के जन्म आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, जो कि किसी भी जगह से 10 गुना ज्यादा है, क्योंकि यहाँ आपस में ही शादियाँ की जाती हैं। इसलिए जीन्स उतने ज्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लोग काले हैं और एल्बिनो बहुत ज्यादा गोरे हैं। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों के लोग सोचते हैं कि एल्बिनो के चेहरों का रंग फीका होता है, क्योंकि वे शापित हैं और यह श्राप दूसरे लोगों को भी फैल सकता है। तंजानिया में ग्रामीण आबादी लगभग 65% है। सोचें कि के माता पिता को मिलाकर जिन भी लोगों को आप जानते हैं, वे कभी भी अपने जीवन में किसी गोरे व्यक्ति से नहीं मिले हैं। आपके कुछ पड़ोसी आपको मार डालना चाहते हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि आप ग्रामीण समुदाय में दुर्भाग्य लेकर आएंगे। जब कोई भी गर्भवती स्त्री गली में किसी अनजान अल्बिनो बच्चों को देखती है, तो वो उसे देखकर जमीन पर थूकती है, ताकि उनका बच्चा अल्बिनो ना पैदा हो। अफ्रीका में कई सारे विच डॉक्टर हैं, और यहाँ के लोग असली डॉक्टरों के पास जाने के बजाय उनके पास जाते हैं। और यहाँ पर रह रहे विच डॉक्टरों का कहना है कि अल्बिनो बहुत अधिक गोरे होते हैं, क्योंकि वे शापित हैं और उन्हें मार दिया जाना चाहिए। और अगर उनके हाथ पैर जैसे अंगों को काटकर जड़ी बूटियों के साथ उबालकर खाया जाए, तो वे रोगों को ठीक करने की ताकत रखते हैं। ऐसा माना जाता है उनके मृतक शरीर से कई रोगों को ठीक किया जा सकता है, और ये एक और वजह है जिसकी वजह से अल्बिनो का शिकार किया जाता है। तुम कैसे हो बच्चों? ठीक हो? इस क्लास में छठी कक्षा तक के बच्चे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि वे यहाँ मिक्स्ड क्लास में पढ़ रहे हैं। वो अपनी आंखें इसलिए मूंद रहा है क्योंकि इस समय यहाँ बहुत रोशनी है, और जब वे रोशनी के संपर्क में आते हैं तो इन्हें देखने में दिक्कत होती है। सबसे पहले तो उन्हें सनग्लासेस की जरूरत है। आप उनकी त्वचा पर अलग अलग तरह के धब्बे देख सकते हैं। इन धब्बों को ठीक करने के लिए उन्हें किसी विशेष लोशन का इस्तेमाल करना होगा। धूप से बचने के लिए उन्हें टोपी भी पहननी पड़ती है। ये बच्चा सिर्फ 6 साल का है। उनके कपड़े व्यवस्थित नहीं लग रहे हैं। उसे आंखों में स्ट्रैबिस्मस है। जैसा कि टीचर ने हमें बताया कि एल्बिनिज्म 2 तरह के होते हैं। आमतौर पर ज्यादा गोरे लोगों को माना जाता है, लेकिन काले रंग के भी एल्बिनो होते हैं। ये बच्चा जिसने हरे रंग की टोपी पहनी है, वो काले रंग का एल्बिनो है। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, पीछे जो बच्चा है वो खुद को हमसे छिपाने की कोशिश कर रहा है। वो बहुत शर्मीला है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि उसके हाथ पर सफेद धब्बे हैं। दूसरों पर आपने काले धब्बे देखे होंगे, लेकिन इस एल्बिनो लड़के पर सफेद धब्बे होने के साथ साथ उसे दिखाई देने में भी दिक्कत होती है। आप देख सकते हैं उसके चेहरे पर तरह तरह के त्वचा रोग हैं। यहाँ मौजूद टीचर ने हमें बताया कि काले एल्बिनोज को समस्या ज्यादा गंभीर होती है, और उनका मामला दूसरों की तुलना में ज्यादा कठिन होता है। Longer life because their skin is near to get cancer. Mm-hmm. So they have no more life. मुझे नहीं पता कि इस बात में कितनी सच्चाई है, लेकिन मुझे लगता है कि उनके हेल्थ सिस्टम की वजह से उनकी सोच ऐसी है। उनमें से ज्यादातर की आंखों का कलर हेजल है। लगभग सभी अल्बिनो को देखने में परेशानी होती है, और वे सिर्फ 10-20% के बीच ही देख पाते हैं। इन सब बातों के अलावा, क्योंकि उनकी आंखें लाइट सेंसिटिव हैं, इसलिए वे निस्टागमस से जूझते हैं, जिसे डांसिंग आईज भी कहा जाता है। वो बड़े होकर क्या बनना चाहता है? वज़ीरे मुकू और तंजानिया। कोई और? आप? मुंगे दागो मनाजेश। आपका क्या सपना है? नाउ मसाला मकदोना मशूका मनाशेरिया। यू वांट टू बी अ लॉयर। वो वकील क्यों बनना चाहता है? वन दागो मनाशेरिया। बदकिस्मती से हमें बताया गया कि इस छात्र के पास, जिसने हमें बताया कि वो बड़े होकर एक वकील बनना चाहता है, उसके पास जिंदगी के केवल कुछ ही साल बचे हैं। उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता। दुनिया के अलग अलग देशों में बच्चों का जीवन इन बच्चों के जीवन से बहुत अलग है। हमारे बच्चों को आईफोन या आईपैड चाहिए, लेकिन ये बच्चे सिर्फ एक बिस्तर चाहते हैं जिस पर वे सो सके। यहाँ बच्चे पत्थर से बनी हुई बेंचों पर बैठते हैं। टोपी, चश्मे उनके सामान्य रूप से जीवन जीने के लिए जरूरी है। अब हम बच्चों को उनकी परीक्षा में भेजेंगे। हमसे जुड़ने के लिए उन सभी का धन्यवाद। बस एक पल के लिए सोचें कि अगर आपकी रचना ही आपका बंधन हो, तो आपको कैसा महसूस होगा? अपराधियों की तरह जो गैंडों के सींगों को काटकर ब्लैक मार्केट में बेचते हैं, वैसे ही यहाँ भी कुछ स्मगलर्स हैं जो अल्बिनो के अंगों को काटकर उन्हें ब्लैक मार्केट में बेचते हैं। अफ्रीका में अल्बिनो की आबादी बहुत तेजी से कम हो रही है। वर्तमान में इनकी आबादी लगभग 1 लाख है। हम एक क्लास में गए थे और यहाँ टेबलों का ढेर लगा हुआ था। क्लास के स्टूडेंट्स के हिसाब से वे जरूरत पड़ने पर उन टेबलों को बाहर निकालते हैं। बच्चे इन डेस्क पर बैठते हैं, टीचर यहाँ बैठते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ एक लाइट बल्ब भी नहीं है, इसलिए अंधेरा होने पर क्लास खत्म हो जाती है। इस विश्व के अलग अलग स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे जो आराम से अपने स्कूल में पढ़ाई करते हैं, उन्हें एक बार यहाँ आकर स्कूल को देखना चाहिए। ये सब उनके बिस्तर हैं, वे स्पंज पर सोते हैं। यहाँ की हालत वाकई बहुत खराब है। एक बार के लिए मलेरिया हो जाने का जोखिम लेकर अपने आप को स्पंज पर सोने की कल्पना करें। यहाँ मच्छरों की भरमार है। क्या आप यहाँ फिर भी सोएंगे? मुझे तो लगता है कोई उस पर बैठना भी नहीं चाहेगा। ये लड़का रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा है, वो देख नहीं सकता। वो लड़का भी अंधा है, लड़की उसकी मदद कर रही है। आइए अब क्लास की ओर चलें।
हमारे अंदर आने पर वे सभी खड़े हो गए। जैसा कि आप देख सकते हैं, अल्बिनो बच्चे सबसे आगे बैठते हैं क्योंकि उन्हें साफ साफ दिखाई नहीं देता है। ब्लैक अल्बिनो लड़की भी सबसे आगे है। लोग उनकी किस तरह से मदद कर सकते हैं? This is the Pongwe Primary School. Two types of pupils that we have: pupils with disabilities, as you see, and we have normal pupils, as you see. Here in this school, as you see, in our class is too old. If you have someone who can share with us to make innovation, make 8 assistants to our schools. We welcome them. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद। अलविदा। यहाँ के लोग विच डॉक्टर्स पर बहुत भरोसा करते हैं। एक मशहूर विच डॉक्टर जिसके साथ हम विजर्ड मार्केट में मिले थे, उन्होंने कहा कि वो हमें अपनी प्रतिभा दिखा सकते हैं, इसलिए हम उस विच डॉक्टर के घर गए। यह मास्टर जिसका दावा है कि वो शैतानों को नियंत्रित करता है, उसने हमारे सामने एक मरीज को ठीक करने की कोशिश की। उसने हमें अपने जादू के बारे में भी बताया। ये मंत्र सदियों से अफ्रीका में मौजूद है और ये अक्सर आपको कहीं पर भी लिखे हुए नहीं मिलेंगे। Kumchezea wewe ni yeye ni makata wasubiani maiti wewe ulijificha kwa mwanadamu katumwa wewe ndio tiba kwa mwanadamu kutumwa ये विच डॉक्टर इतना मशहूर है कि यहाँ के लोग उसे देवता की तरह पूजते हैं। उसके घर तक पहुँचने के लिए हमें जंगल से होकर गुजरना पड़ा। उसने हमें अपने घर बुलाया और हमें अपनी प्रतिभा दिखाई। उसका दावा है कि महिला इस दौरान शैतान से बात कर रही थी। अगले एपिसोड में हम इस विच डॉक्टर के बारे में और भी ज्यादा जानेंगे, तो हमारे साथ बने रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मुलाकात होगी। रूही चैनत यहाँ पर था।